वेलकम बैक स्टूडेंट। आज कल आप क्लास 9 से चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, हमने उसके सारे टॉपिक की वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप कंटिन्यू सारे टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। स्टूडेंट आज क्लास 9 में हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलीनोमियल्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स। सबसे पहला टॉपिक आता है पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट पॉलीनोमियल वेरिएबल ये क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पहले कुछ छोटी छोटी जानकारी है वो समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले पॉलीनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको कॉन्स्टेंट और वेरिएबल समझना होगा। तो सबसे पहले है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। देखो कॉन्स्टेंट वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। तो कॉन्स्टेंट के लिए जैसे 2, 3 जो सारे नंबर्स हैं या ABC इस टाइप से हम इनको डिनोट कर देते हैं, और वेरिएबल के लिए हम X, Y, Z ये वाला नंबर यूज करते हैं। तो कॉन्स्टेंट जैसे 2 एक क्वांटिटी है, एक फिक्स वैल्यू है। अगर हमने किसी भी बात को किया कि 2 या 3 तो फिक्स हो गया। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज किया जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम एज्यूम करते हैं, ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट ₹X है, तो ₹X मीन्स एक्स को चेंज भी किया जा सकता है। और मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट ₹5 है, मीन्स अब वो कॉस्ट फिक्स होगी। तो कॉन्स्टेंट फिक्स क्वांटिटी, वेरिएबल जो चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि ₹X है, तो आप ₹X की वैल्यू चेंज भी की जा सकती है। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि ₹5 है तो बस ₹5 है। तो ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। अब जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 2X, यहां पे ये कॉन्स्टेंट है एक वेरिएबल, और इस टाइप से अगर मैं लिख देता हूं या इस टाइप से, यहां पे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। ये एक साथ लिखे हुए हैं, ये आपका बन जाता है टर्म। और अगर मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, ये आपका बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपका बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो जाता है, जिसमें वन और मोर टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसके जिसमें वन और मोर टर्म। और टर्म कैसे तैयार हो रही है, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट को लेंगे। तो यहां पे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि खाली वेरिएबल या कॉन्स्टेंट से भी काम चला सकते हैं, यस। मान लो अगर एक्स लिखा जाएगा तो ये भी एक टर्म कहलाएगी, और अगर वन लिखा जाएगा या टू लिखा जाएगा तो ये भी एक टर्म कहलाएगी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम बहुत सारे टर्म को एक साथ लिखते हैं तो वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। तो अब पॉलीनोमियल्स क्या चीज है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं 2x² + 3x + 4, x² + 5, √x + 3, x^-2 + 6। ये मैंने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। अब इन क्या ये पॉलीनोमियल है, सबसे पहले तो पॉलीनोमियल समझेंगे हम, पॉलीनोमियल है क्या। पॉलीनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलीनोमियल कहा जाता है। लेकिन एक
कंडीशन है। अब हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वैल्यू। पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल इन वन वैल्यू इसका क्या मीन्स हुआ कि एक्स वाई जेड या टी भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई या टी ये वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का मीन्स है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल एक ही यूज किया है। जैसे इसमें एक्स है तो एक्स ही है, यहां पे भी एक्स है, या इस टाइप से अगर लिखा है तो यहां पे वाई है। तो ये पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है वाई, यहां पर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है एक्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे? नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी, रूल नंबर में चाहिए, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल बी ए होल नंबर। तो अगर आपके पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर एक बार फिर से याद कर लीजिए, W से रिप्रेजेंट 0, 1, 2, 3, ये वाले नंबर होल नंबर बनाए। तो यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, और यहां पे x की पावर नहीं है लेकिन फिर भी x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 रहती है। तो पावर ऑफ वेरिएबल 2, 1, 0 ऑल होल नंबर्स, तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर ऑफ एक्स इज ए होल नंबर। थर्ड, क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं? नो, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की जो पावर है यहां पे रीजन पे अगर देना होगा तो पावर ऑफ एक्स कितनी है, 1/2, और 1/2 आपका होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होने हैं क्योंकि पावर ऑफ एक्स -2 है और -2 होल नंबर नहीं, ये वाला फिर पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि यहां पे पावर ऑफ वाई, वाई की जो पावर है वो होल नंबर। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। जब भी हम कितनी भी मैनी टर्म्स को लिखेंगे तो वो सब क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर, जिनकी पावर होल नंबर हो, यानी कि 0, 1, 2, 3। इसके अलावा अगर वो निगेटिव है, 1/2 है, या रेशनल नंबर है अगर पावर, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं। इसके बाद आता है कॉन्स्टेंट। अब पॉलिनोमियल आप समझ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर रहेगी वैल्यू। अब आपका है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2, 3, 4 ये आपके कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये वाले नंबर्स जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, और 0 ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरो का 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं। अब पॉलिनोमियल्स में जो
आपके कॉन्स्टेंट ही कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे और जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और ये आप भी आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको वेरीफाई और सेपरेट करना होगा कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन से पॉलिनोमियल है। तो आप इसके लिए यही देखेंगे कि जो वेरिएबल गिवन है उसकी पावर क्या है। इसके बाद होता है हमारा टॉपिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मैं पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं ये पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ी चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है ये। इसमें जो वेरिएबल की पावर है सारी होल नंबर है और ये जो सारे लिखे हुए हैं ये इसकी टर्म्स कहलाएंगे। मैंने बता दिया था ये आपकी टर्म्स कहलाती है। तो ये पॉलिनोमियल इन विच हैव फोर टर्म्स, इसमें फोर टर्म्स है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स है, जैसे इसमें थ्री टर्म्स है, यहाँ पे टू टर्म्स है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें थ्री टर्म्स है, यहाँ टू टर्म्स है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, तो इसमें जो वेरिएबल लिखे हुए हैं वेरिएबल के सामने जिसकी भी प्रोडक्ट हो रही है कॉन्स्टेंट नंबर की वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन कोफिशिएंट जो आपसे पूछा जाएगा उसी का जवाब देंगे। सपोज आपसे पूछा जाए कि एक्स की पावर थ्री का कोफिशिएंट कितना है इस पॉलिनोमियल, तो एक्स की पावर थ्री के साथ किसकी प्रोडक्ट हो रही है वन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर थ्री वन। एक्स की पावर टू का कोफिशिएंट क्या है माइनस टू, क्योंकि एक्स की पावर टू के साथ ये वाला नंबर है। तो इस टाइप से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सरसाइज में बहुत सारे पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा। कोफिशिएंट के लिए वो पहले ही दे देगा कि आपको एक्स क्यूब या एक्स की पावर टू का कोफिशिएंट फाइंड करना है आपको। तो आप कोफिशिएंट जो भी आपका वेरिएबल टर्म्स होगी टर्म्स में जो भी कॉन्स्टेंट नंबर की प्रोडक्ट होगी वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कॉन्स्टेंट होल नंबर है। और जो कोई भी अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री और ये वाले जो होते हैं ये इसकी टर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल के क्या टाइप्स हैं, किसके अकॉर्डिंग टर्म्स। तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म, पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म, ए पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस सिक्स, ये सारे पॉलिनोमियल्स आपके मोनोमियल्स हैं। सेकंड बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स ए पॉलिनोमियल इन विच
टू टर्म्स, मोनोमियल्स में एक ही टर्म होगी, बाइनोमियल इन विच ए पॉलिनोमियल इन विच टू टर्म्स। जैसे ये कुछ एग्जांपल है बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या हो जाएगा, वो वाले पॉलिनोमियल्स या वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स। सबसे पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल की कंडीशन में बता चुका हूं, तो वो वाले पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाएंगे जिसमें टू टर्म्स एक्जिस्ट। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल इन विच थ्री टर्म्स, वो पॉलिनोमियल इसमें थ्री टर्म्स होंगे। जैसे इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल, इसे मैंने ये एग्जांपल लिखे, यानी जो भी आपके माइंड में है बहुत सारे एग्जांपल इसमें एग्जिस्ट करेंगे मोनोमियल्स में, वो पॉलिनोमियल्स, बस ये सब में ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है। तो जितने पॉलिनोमियल्स हैं वन टर्म्स वाले मोनोमियल्स कहलाएंगे, टू टर्म्स वाले बाइनोमियल्स कहलाएंगे, और थ्री टर्म्स वाले ट्राइनोमियल्स। तो ये तो जो टाइप्स थे पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग टू टर्म्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल पावर। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल देखो, जैसे मैं यहां पे स्टूडेंट दो एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने यहां पे थ्री एग्जांपल लिखे हैं तीनों पॉलिनोमियल्स। अगर बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो तीनों ही बाइनोमियल्स हैं। अब मेरा टॉपिक है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, तो ये कैसे चेक करें। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर टू, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर फाइव। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स कि जो भी आपका पॉलिनोमियल्स होगा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स आएंगे पॉलिनोमियल्स के वो अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो ये आप समझ चुके हैं, इसको आप नोट भी कर लें। इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, उनको कैटेगरी वाइज करना है आपको, आपकी बुक में मिक्स टाइप करके वो दे देगा और आपसे पूछेगा कि डिफाइन करो कि ट्राइनोमियल्स की कैटेगरी में कौन आएंगे, बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो आप इजीली इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो टाइप्स पॉलिनोमियल्स के पढ़ेंगे वो पावर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पावर, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो वाले पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें पावर ऑफ एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वन होंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन रहेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एक्स प्लस वन वाई माइनस थ्री डी, ये वाले लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। इन जनरल ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आपके लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। भले ही वो बाइनोमियल रहा हो या मोनोमियल्स रहा हो उस कैटेगरी, क्योंकि अपनी जब मैं इनको पढ़ा दूंगा तो ये दोनों ही कैटेगरी से मिक्स भी होंगे। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, जिस भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर टू रहेगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जनरली इस टाइप का। आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और एक्स स्क्वायर, ये सारे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इसमें आप ये ध्यान ये मत सोचना कि इसमें टर्म्स कितनी रहेंगी, आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपको पावर के अकॉर्डिंग देखना है। जब टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर कैटेगरी रहेगी मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स, जब पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें थर्ड आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके जनरली इस टाइप से रहेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल थ्री होगी, जैसे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो टू टाइप्स हो जाते हैं, सबसे पहला जब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, दूसरा पावर के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, मोनोमियल्स इन विच हैव ओनली वन टर्म्स, बाइनोमियल्स इन विच टू टर्म्स, ट्राइनोमियल्स इन विच थ्री टर्म्स, और अकॉर्डिंग टू पावर लीनियर पॉलिनोमियल्स जहां पे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, खाली पावर नहीं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वन होगी लीनियर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल थ्री तो वो क्यूबिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन में वो आपको दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है, पहले तो आपसे वो टाइप्स सबकी कैटेगरी कराएगा, सारे मिक्स करके देगा, पूछेगा आपको इनको अलग अलग कैटेगरी बनाओ, बाई क्यूबिक की अलग बनाओ, लीनियर की अलग, क्वाड्रेटिक, तो ये पावर के अकॉर्डिंग आप उनको डिफाइन कर। लेकिन अगर आपसे वो ऐसे कहे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकिन वो बाइनोमियल भी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो बाइनोमियल्स भी हो, तो सबसे पहले बाइनोमियल्स के लिए उसमें टू टर्म्स होनी चाहिए, टू टर्म्स, और क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर उसकी थ्री होनी चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल हो जाएगा एक्स की थ्री माइनस टू एक्स, या वाई क्यूब प्लस टू, या वाई क्यूब माइनस टू, बहुत सारे बन जाएंगे। बाइनोमियल्स भी है ये क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं, और क्यूबिक भी है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल थ्री। तो इस टाइप से आप बहुत सारे आपके एक्सरसाइज हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप सारी जो मैंने बता दी पहले इनको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, इनकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स तैयार करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कैटेगरी करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहेगी तो आप उसको कमेंट्स में लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी डिफाइन। तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है, इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस पर काम बहुत जरूरी है, आप मैक्सिमम जितना हो सकता है इस पर काम करें। थैंक यू फॉर